को लेकर किया अनूठा प्रदर्शन, निगम अधिकारी को भेजी चूड़ियां। कांग्रेस के दबाव में काम करने का आरोप मंत्री सिलावट के भतीजे ने की थी पिटाई। इंदौर शहर में हाल ही में हुए पोस्टर विवाद के बाद से बीजेपी लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार और निगम कर्मियों के खिलाफ अपना आक्रोश जता रही है। बुधवार को बीजेपी अनुसूचित जाति युवा मोर्चा के द्वारा घटना के विरोध में अनूठा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के निगम अधिकारी को स्पीड पोस्ट के जरिए चूड़ियां भेजी। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट के जन्मदिन पर लगे बधाई संदेश के पोस्टर हटाने गए निगम के अमले से मारपीट करने वाले मंत्री सिलावट के समर्थक और भांजे के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इस घटना को लेकर प्रदेश भर में कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि निगम कर्मियों द्वारा गरीबों पर दादागिरी करते हुए उनकी संपत्ति को जमींदोज किया जाता है और विरोध करने पर उनकी पिटाई तक की जाती है। लगातार हर कार्यवाही में निगम कर्मी अपनी दबंगता दिखाते हैं, लेकिन मंत्री सिलावट के रिश्तेदार और समर्थकों के सामने सिंगा कहे जाने वाले निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान ने घुटने टेक दिए और चुपचाप घटनास्थल से रवाना हो गए। अपने ही कर्मचारियों को पीटने के लिए वहां छोड़ दिया, जो कि बेहद शर्मनाक घटना है। हालांकि बीजेपी के इस प्रदर्शन में मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही इकट्ठे हुए और किसी भी बड़े नेता ने इस प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं दिखाई। एक नियम बनाया जाए जो लगते हैं उनकी परमिशन लेके वो लगाया जाए, तो कांग्रेस के कद्दावर मंत्री और उनके समर्थकों द्वारा अपने इंदौर के सिंगम कहे जाने वाले आदरणीय महेंद्र सिंह जी चौहान, जो कि मतलब एक ठोकर में गरीबों के तराजू पर बिखेर देते थे, ऐसा उनका जलवा देखा था हमने, सिर्फ गरीबों के पे दादागिरी। और भी परसों मंत्री जी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के अवसर पर जो होर्डिंग लगे हुए थे उनके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र को के होर्डिंग हटाने के लिए सिंगम साहब चले गए थे, पर हमें क्या पता है सिंगम, ये तो चिंगम है कांग्रेस की। उनके वीडियो देखा है कि कांग्रेस के समर्थकों द्वारा किस तरह से उनकी पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और कैसे भाग रहे थे, और बेचारे निगम कर्मियों को वो तो पीछे हट गए और निगम कर्मियों की सुतई हो गई। और उसके बाद कल उनका इतना शर्मनाक बयान आया कि मुझे तो पता ही नहीं किसी ने गाली बकी है, कुछ गलत कहा। तो ऐसे सिंगम साहब को हमने विदाई देते हैं, बाबुल की दुआई देते हैं, कांग्रेस की झोली में समर्थित करते हुए उनको हमने चूड़ियाँ यहाँ से भेजी है कि अब ये चूड़ियाँ पहन लो, अगर इसके बाद भी आपको शर्म नहीं आई तो साड़ी और पेटीकोट भेजी है। क्या वजह है कि तो कांग्रेस की तरफ से जब मारपीट होती है तो आप प्रदर्शन करने आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक जब बल्ले से अधिकारी को पीटते हैं जब आप मौन रहते हैं? हमारे पार्टी के विधायक ने जो बल्ला उठाया था एक गरीब की सहायता के लिए उठाया था, ना कि होर्डिंग बाजों के लिए बचाने के लिए उठाया था।